सीनियर आईएएस के ट्रांसफ़र होने हैं, मुझे लगता है उसकी लिस्ट जो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनके ऑफिस द्वारा तैयार कर ली गई है, लेकिन इंतज़ार इस बात का है नए मुख्य सचिव को ज्वाइन करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद सभी मंत्रियों को उनके विभाग जो है उनका आवंटन हो गया, सबको सबके विभाग मिल गए और उन्होंने अपना अपना कार्यभार संभाल लिया। अब मुख्यमंत्री ने हरियाणा में प्रगति के लिए 100 दिन का रोड मैप तैयार किया है, लेकिन अगर हम बात करें मंत्रियों के अलावा जो एग्जीक्यूशन की बात आती है या बात करें कि कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी जो है उनका रोल बड़ा अहम होता है, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हों, आईपीएस ऑफिसर्स हों या एचसीएस ऑफिसर्स हों, सब ऑफिसर्स की जो है अहम भूमिका होती है किसी भी कार्य प्रणाली को चलाने के लिए। अब हरियाणा में क्या ये जो कार्य प्रणाली है, ये जो आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, इनके तबादले होंगे, कौन होंगे नए ऑफिसर्स, इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी जो हरियाणा की राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं। मेरा साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा साहब, अब देखिए जैसे सबको जितने भी मंत्री हैं उनको अपने अपने विभाग जो है वो मिल गए हैं और मुख्यमंत्री ने 100 दिन का जो रोड मैप है वो तैयार कर लिया है, तो उसके लिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनकी जो है जरूरत पड़ेगी। और जैसी सरकार जो भी गठन होता है सरकार का, तो जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं या एचसीएस ऑफिसर्स होते हैं, उनकी बदलियां, उनके ट्रांसफर जो हैं वो होना स्वाभाविक सी बात है। ऐसे कौन कौन से आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिनकी बदलियां हो सकती हैं हरियाणा में? अभी देखिए, अभी ये कहना तो वाजिब नहीं होगा कि कौन कौन की कहां किस अधिकारी को कहां पदभार दिया जाता है जी, लेकिन ये निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि अभी जो हरियाणा में जो नई सरकार बनी है और मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, मंत्री सभी मंत्रियों ने अपना अपना जो पदभार है वो संभाल लिया, और जैसा आपने बताया कि मुख्यमंत्री जी जो 100 दिन का रोड मैप जो हरियाणा के विकास के लिए तैयार कर रहे हैं जी, और उस पर काम करने के लिए निश्चित रूप से एक अच्छी टीम सीएम, डेफिनेटली चीफ मिनिस्टर ऑफिस की बात करें या ब्यूरोक्रेसी अलग अलग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की बात करें, वो निश्चित रूप से अभी ट्रांसफर और पदभार उनको दिया जाना अभी शेष है। और मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी की, जो एक अहम ओहदा हरियाणा सरकार में होता है, जब और उस पे राजेश खुल्लर जो पहले भी नायब सिंह सरकार में भी इस पद पर रहे हैं, और उसके बाद जो अभी उनका जो ऑर्डर किए गए थे चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में, और उनको मंत्रिमंडल का दर्जा भी मंत्री कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया था, हालांकि वो ऑर्डर वापस हो गए, लेकिन चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनको बना दिया गया है और वो ऑर्डर भी हो चुके हैं। और अब बात करते हैं जो ब्यूरोक्रेसी की, जो आईएएस के जो सीनियर आईएएस के ट्रांसफर होने हैं, मुझे लगता है उसकी लिस्ट जो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनके ऑफिस द्वारा तैयार कर ली गई है, लेकिन इंतजार इस बात का है कि नए मुख्य सचिव को ज्वाइन करना है। 31 अक्टूबर को ये जो वर्तमान में जो टीवीएसएन प्रसाद मुख्य सचिव हैं, ये रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और इनके सेवानिवृत्ति के बाद नए मुख्य सचिव का पदभार संभालना निश्चित है। हालांकि कुछ ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि टीवीएसएन प्रसाद को 3 महीने या 6 महीने की एक्सटेंशन मिल सकती है जी, लेकिन ये इसके कम चांस है। हालांकि एक्सटेंशन हरियाणा में मिलती रही है, पहले भी 6 महीने की चीफ सेक्रेटरी को एक्सटेंशन दी जा चुकी है, लेकिन संभावनाएं कम है, क्योंकि कई जो आईएएस ऑफिसर हैं वो लाइन में हैं और उनका ये भी कहना है कि कई तो रिटायर होंगे, अगर उनको चीफ सेक्रेटरी तक के पद को प्रमोट नहीं किया जाता तो वो चीफ सेक्रेटरी नहीं बनेंगे जी। तो इस वजह से, जैसा कि आप बता रहे हैं, इस वजह से कई की बात कर रहे हैं, टीवीएसएन प्रसाद की आप बात कर रहे हैं कि वो 31 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे, तो मुझे एक चीज और बताइए कि एक्सटेंशन की बात करते हैं, अगर उनको एक्सटेंशन नहीं मिलती तो ऐसा कौन सा जो ऑफिसर है जो उनकी जगह आ सकता है? देखिए, अब सीनियोरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो सुधीर राजपाल सीनियोरिटी में टॉप में आते हैं जी, और
सुमिता मिश्रा हैं उनका भी सिनोडी के हिसाब में, वो भी सुधीर राजपाल और सुमिता मिश्रा का नंबर आता है। लेकिन कई जो आईएएस अधिकारी हैं उनसे जो नीचे के बैच के हैं उन्होंने भी दावा पेश किया है कि उनका ये कहना है कि सुमिता मिश्रा और जो सुधीर राजपाल हैं वो उनका जो कैडर है वो जैसे सुधीर राजपाल की बात करें तो वो हिमाचल कैडर से यहाँ पे हरियाणा में आए हैं जी। और उनका जो निचले जो आईएएस ऑफिसर है उनका ये कहना है कि हमारे सीनियरिटी इनसे हम इनसे ज्यादा सीनियर हैं जी, क्योंकि ये जो बाहर दूसरे राज्यों से अगर कैडर चेंज करवा के आते हैं तो उनकी सीनियरिटी कहीं कहीं जो उनका जो बेसिक कैडर है उनका जो उससे कम आंकी जाती है, कम आंकी जाती है उनका ये मानना जी। इसमें सभी अधिकारियों के साथ मतलब कसमकश चल रही है। हालांकि मामला सेंट्रल गवर्नमेंट को केंद्र को भेजा गया लेकिन अभी तक केंद्र ने कोई इसी तरह के दिशा निर्देश जारी नहीं किए। लेकिन इस सब के बावजूद विवेक जोशी हैं जी, जो 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं जी, वो हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और अभी दिल्ली में पोस्टेड हैं, वो केंद्र सरकार में हैं, कार्मिक मंत्रालय में सेक्रेटरी हैं और वो सबसे सीनियर हैं। टीवीएसएन प्रसाद के बाद अगर चीफ मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता तो विवेक जोशी जी का नंबर सबसे पहले आता है। हालांकि विवेक जोशी जी यहाँ आना चाहेंगे या नहीं आना चाहेंगे ये बात देखने वाली है, लेकिन अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विवेक जोशी हरियाणा आएंगे और चीफ सेक्रेटरी वो बनेंगे जी। विवेक जोशी जी के यहाँ हरियाणा आने से जो जो नीचे के अधिकारी जो उनमें एक कसमकश सीनियरिटी के कसमकश चली हुई है वो कम से कम वो खत्म हो जाएगी। तो अभी मुझे लगता है कि विवेक जोशी हरियाणा में आएंगे और वो चीफ सेक्रेटरी बन सकते हैं। विवेक जोशी बहुत ही सुलझे हुए, कई जो केंद्र के मंत्रालय हैं सेक्रेटरी के रूप में काम किया है और ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में काम किया, बहुत अनुभवी अधिकारी हैं, आईआईटीएन हैं वो, रुड़की से पास आउट हैं और हरियाणा में बहुत अच्छा लंबे समय तक उन्होंने काम भी किया है, डीसी के साथ साथ और भी कई महकमे उन्होंने डायरेक्टर के रूप में जी देखा है। डीसी हालांकि ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके डीसी के कार्यकाल में हमने भी उनके साथ जींद में काम किया है। जींद में वो 1997 में डिप्टी कमिश्नर रहे हैं और उस टाइम हम जींद में काम करते थे और बड़ा एक आंदोलन वहाँ पे उस टाइम किसानों का आंदोलन हुआ था उचाणा में, ट्रेन के कुछ बोगी फूंक दी थी और बड़ा जी हिंसक जो कह सकते हैं आंदोलन चौधरी बंसीलाल की सरकार थी उस सरकार में हुआ था और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने टैकल किया था और बड़ा सुलझे हुए ऑफिसर हैं विवेक जोशी जी और मुझे लगता है वो आ जाए तो हरियाणा के लिए ये अच्छी बात होगी। इसके साथ साथ बात करते हैं हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी की, उनकी कितनी गिनती जो है वो कितनी हो सकती है, कितने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो सकते हैं या कितने एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो सकते हैं और कौन कौन से नाम हो सकते हैं? देखिए सरकार में मुख्य जो काम होता है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी और असिस्टेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी का होता है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के बिहाफ पे वो काम करते हैं और मुख्यमंत्री के बिहाफ पे वो जो मेन फाइलें होती हैं उन पे साइन करते हैं जी। और उनका मुख्य काम जो मैं कह सकता हूँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी का होता है और ब्यूरोक्रेसी के जो ट्रांसफर की हम बात कर रहे थे उनसे ट्रांसफर से पहले मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो सीएमओ के जो ये ऑफिसर हैं इनकी नियुक्ति होना सीएमओ ऑफिस की नियुक्ति जो है पहले जरूरी है वो होगी और उसमें कई आईएएस अधिकारियों के नाम अभी लाइन में है, कई चर्चा हो रही है कि कई अधिकारी अलग अलग से जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए या एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए कई नामों की चर्चा सामने आ रही है, जैसे अरुण कुमार गुप्ता जी का नाम टॉप में लिया जा रहा है। अरुण कुमार गुप्ता के साथ साथ अनिल मलिक का नाम लिया जा रहा है। अनिल मलिक और अरुण गुप्ता में से अनिल मलिक का 91 बैच है जी, अरुण गुप्ता जी का 92 बैच है जी। तो मुझे लगता है इनमें से कोई भी अधिकारी, दोनों में से कोई भी अधिकारी सीनियरिटी वाइज दोनों ऊपर है, सीनियरिटी का भी देखना पड़ता है और एक वहां पे समुदाय और कास्ट का बैलेंस भी देखना पड़ता है सीएमओ में। और ये
अनिल मलिक का अगर जाट समुदाय से कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी आता तो अनिल मलिक का नाम मुझे लगता है सबसे ऊपर है, और अगर वैश्य समुदाय से अगर नाम आता अरुण कुमार गुप्ता, अरुण कुमार गुप्ता का जी। इसके साथ साथ एडिशनल पीएस की बात करें तो विजेंद्र कुमार है, श्यामल मिश्रा है, वो विजेंद्र कुमार भी एक अच्छे सुलझे अधिकारी है, सीएमओ में उन्होंने काम किया है और सिविल सेक्रेटरीट में काफी लंबा उनका एक्सपीरियंस उनका रहा है, और विजेंद्र कुमार और श्यामल मिश्रा में से कोई एक एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो सकता है। श्यामल मिश्रा ने केंद्र सरकार में काफी लंबे समय तक काम किया और उनका एक अच्छा अनुभव भी है, और पीएमओ के अधिकारियों से उनकी एक अच्छा अच्छी ट्यूनिंग है। मुझे लगता है श्यामल मिश्रा को कहीं कहीं दिल्ली से यहाँ बुलाया जा सकता है, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में उनको लगाया जा सकता है। जी जी, तो ये अभी तक का मुझे लगता है ये कुछ चर्चाएं हैं इन लोगों के बारे में, इन आईएएस ऑफिसर्स के बारे में, और इनकी नियुक्ति के बाद जो सीएमओ के ऑफिसर हैं चाहे एडिशनल पीएस हैं या पीएस हैं, इनकी नियुक्ति के बाद ही मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी के जो बड़े लेवल पे जो बड़े स्तर पर जो ट्रांसफर होंगे आईएएस ऑफिसर आईपीएस के वो बाद में होंगे, और अब ऑफिसर्स को इन ट्रांसफर के लिए कम दिवाली तक शायद इंतजार करना पड़ सकता है, दिवाली के बाद मुझे लगता है क्योंकि चीफ सेक्रेटरी भी दिवाली के बाद ज्वाइन करेंगे और छुट्टियां भी कई दिन की 3-4-5 दिन की छुट्टियां बीच में पड़ती है, उसके बाद ये सीएमओ ऑफिस की सबसे पहले टीम जो है वो तैयार हो जाएगी, तो उसके बाद जितने भी क्षेत्रीय लेवल पे अगर बात करेंगे तो अपना डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी फिर बदलियां उस हिसाब से। देखिए आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स की ऑलमोस्ट लिस्ट तैयार है, वो उनका जिम्मा और उनका जो क्षेत्राधिकार है पहले भी राजेश खुल्लर जी के पास था और अब भी जो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी है अब भी वही ट्रांसफर मामले को आईएएस, ज्यादा दिक्कतें उनको नहीं होंगी, ज्यादा मुझे लगता ऑलमोस्ट उनके लिस्ट जो आईएएस आईपीएस है बड़े लेवल की एक लिस्ट तैयार है और वो सिर्फ दिवाली का इंतजार है। जी जी, सो दोस्तों राजेश खुल्लर जी के पास जो लिस्ट है वो तैयार है, सिर्फ दिवाली का इंतजार है। सो देखते हैं कि क्या होता है, जो आईएएस ऑफिसर हरियाणा में आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनकी बदलियां जो होती हैं उसके बाद हरियाणा में मुख्यमंत्री ने जो 100 दिन का रोड मैप बनाया है वो उसको किस तरह से जो है पूरा करते हैं। सो आप आगे की अपडेट देखने के लिए देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।